मॉर्निंग राधे राधे, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और देखिए, सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, और टाइम दिखाती हूँ आप लोगों को। इस घड़ी में बज रहा है 7:30, जो कि ये 15 मिनट ना तेज चल रही है, 7:15 का टाइम हो रहा है। और घर में अभी सुनसान पड़ा हुआ है घर। मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ। मैं उठ चुकी हूँ, कुल्ला उल्ला कर लिया है, मुंह वो धो लिया है, सुबह सुबह जो पेस्ट वेस्ट करना होता है ना वो सब कर लिया मैंने। और अब आ चुकी हूँ मैं किचन में। देखिए, मैंने किचन ना रात को मैं साफ़ करके सोती हूँ बिल्कुल, और जब उठ के आती हूँ ना तो एक बार मुझे कपड़ा मारना होता है। कपड़ा ज़रूर मारती हूँ एक बार ना स्लब पे, जैसे रात में कुछ घूम जाता है कुछ भी हो तो एक बार कपड़ा मार लेती हूँ उस। और अब पीना है मुझे गर्म पानी। तो मैंने कहा आज अपना ब्लॉग ना सुबह सुबह से ही शुरू करते हैं। वैसे देखो, हम मेरे यहाँ तो यही टाइम है मेरा उठने का, पता है। मैं तो 6 बजे से, हाँ 6 से पहले से ही उठी हुई हूँ, लेकिन करूँ क्या उठ के। तो मैं भी अभी आई हूँ इतना लेट। मैंने कहा, तब से पड़ी थी आराम से लेटी हुई थी, मैंने कहा चलो अब उठते हैं, अपना कुल्ला वुल्ला करते हैं, पेस्ट करते हैं, अपना गर्म पानी पियेंगे। तो आज ब्लॉग शुरू कर दिया है मैंने सुबह सुबह से अपना रूटीन, जो कि अभी मैं गर्म पानी पीऊँगी बैठ के, उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊँगी और झाड़ू पोछा ये सब करूँगी, और फिर बनती है मेरी लास्ट में चाय, क्योंकि तब तक ना सब उठ जाते हैं। तो फिर बनाती हूँ मैं चाय, बाकी काम कर लेती हूँ मैं पहले। और देखिए, काम तो सबके यही होते हैं जो सुबह वाले झाड़ू पोछा, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि किसी का टाइम कभी है, कोई कैसे भी करता है, कोई कैसे करता है, अपने अपने तरीके होते हैं। तो मैंने सोचा मैं अपना तरीका शेयर करती हूँ आप लोगों से, कि मैं सुबह सुबह उठ के अपना काम कैसे ख़त्म करती हूँ। तो अभी पी लेती हूँ सबसे पहले पानी, गर्म पानी, और एक बार आपको अपनी किचन दिखाती हूँ कि रात को मैं किचन ना बिल्कुल क्लीन करके सोती हूँ। क्योंकि सब लोग, सब मतलब हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, वो बोलते हैं ना कि माता रानी आती हैं रात को देखने के लिए। और आप ना, मैं धीरे धीरे बात कर रही हूँ तो आप लोग मेरी आवाज़ को इग्नोर करना, क्योंकि घर में सब सोए हुए हैं सुबह सुबह, तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए चलिए आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं किचन को बिल्कुल क्लीन करके सोती हूँ रात को। तो देखिए, मैं किचन वाला, मेरी क्लीन पड़ी हुई है, और ये रखा है मैंने अभी गर्म पानी करने के लिए। और ये भगोना, ये भगोना ना रात को प्रांशु ना लेट दूध पीता है, तो उसका ये भगोना रह जाता है, जो कि मैं अभी साफ़ करूँगी इसको। पहले अपना पानी गर्म करूँगी, उसके बाद ये वाले काम ना, ये काम बाद में करूँगी, पहले पकड़ लेती हूँ पानी गर्म। सुबह सुबह ना मैं 1 गिलास पानी ज़रूर पीती हूँ, और पानी से क्या होता है ना, गैस नहीं बनती है। जैसे जिन लोगों को अगर गैस बनती है ना, तो वो 1 गिलास पानी ज़रूर पिए। देखो, आदत नहीं होती मुझे भी, मैं पहले नहीं पीती थी, लेकिन जब से पीने लगी हूँ ना, तो अब ऐसी आदत हो गई है सुबह उठते ही सबसे पहले गर्म पानी पीना। तो वो जैसी आदत बना लो आप, वही बन जाती है हमारी, हमें। और ये पानी गर्म हो चुका है, और जो कि थोड़ा सा तेज ही गर्म करती हूँ मैं, और अब मैं इसको पी लेती हूँ। और यहाँ पानी पीने के बाद में फिर मेरे काम शुरू हो चुके हैं, जो कि मैं झाड़ू लगाऊंगी सबसे पहले। झाड़ू लगाने के बाद में रूम वगैरह में से झाड़ू लगाऊंगी, और थोड़ा सा बच्चों को भी उठाऊंगी वहां से। अभी वैसे उठेंगे नहीं वो, बिस्तर से नहीं उठेंगे, लेकिन अब ना जगा दूंगी मैं, क्योंकि लाइट जलाऊंगी कमरे में, तो लाइट जलाने से ना खुद ही जग जाएंगे, बच्चे जग जाएंगे उसके बाद में। और बाकी ऐसे ही काम कर लूँगी, और डस्टिंग वगैरह जो होती है ना वो करती हूँ मैं बाद में, जैसे कि ये सारे काम हो जाते हैं, और फिर करती हूँ लास्ट में जब बच्चे उठ जाते हैं ना। बिस्तर वगैरह रखूँगी, जब झाड़ूंगी सब बिस्तर साफ़ करती हूँ, और सोफ़े वगैरह जो भी कपड़े वगैरह जैसे भी होते हैं ना, वो सब करती हूँ मैं बाद में। तो पहले अपने ये वाले काम कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि किसी को प्रॉब्लम भी ना हो बच्चे वगैरह को उठने में, कि अभी इतना जल्दी उठा रही हैं
और बाकी ये जो सुबह वाले काम हो जाते हैं ये कर लेती हूँ मैं, चाहे मुझे डबल पोछा लगाना पड़े, लेकिन मेरे काम इसी तरीके से होते हैं जो कि मैं यहाँ पे लग चुकी हूँ यहाँ काम करने के लिए। और उसके बाद मैं झाड़ू झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद में फिर लगा लूँगी मैं पोछा। तो और देखिए हम ना साफ़ सफाई करते रहते हैं ना, एक जो घर मतलब रूम की होती है वो वाली साफ़ सफाई करते रहते हैं ना, जैसे बिस्तर जो हमारे सोफ़े के कवर हैं वो सब साफ़ करते रहते हैं, तो हमारे साफ़ रहते हैं। और यहाँ पर मैंने वॉश बेसन भी साफ़ किया था, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही थी, क्योंकि इसको भी मैं अब रोज़ तो नहीं हो पाता क्योंकि सर्दियों की वजह से, लेकिन हाँ दूसरे तीसरे दिन मैं कर देती हूँ इसको साफ़। और इसको साफ़ करने के बाद मैं फिर लग गई हूँ मैं पोंछा लगाने, और क्योंकि पोंछा वगैरह लगा के तभी मेरा जब तक ही सब लोग उठ पाते हैं। और देखो क्या होता है, जैसे कि ऑफिस जाना हो किसी को, और बच्चे स्कूल जाते थे ना सुबह सुबह, तो पता 6 बजे तक काम हो जाता था हमारा। और आजकल देखिए कोरोना की वजह से ना सबके काम इसी तरीके से लेट हो रहा है। और 1 घंटा हो चुका है मुझे काम करते करते, झाड़ू पोछा वॉश बेसन वगैरह सब कुछ साफ क्लीन कर दिया मैंने। और देखिए यहाँ पर बर्तन और भी थे, और भी इधर उधर फैले हुए थे, वो भी सब मैंने साफ़ कर दिए। और यहाँ की जो बाल्टी रखी रहती है ना वो सब भी साफ़ कर दिया, उसकी प्लेट वगैरह सब कुछ साफ़ करने के बाद में। और देखिए दूध भी आ चुका है मेरा, और दूसरी तरफ मैंने चाय भी रख दी है, चाय का पानी रख दिया है बनने के लिए, तो अब इसमें चाय पत्ती वगैरह डालूंगी। और 1 घंटा हो चुका है मुझे इस काम को करते करते ना, जैसे कि मैंने बताया है 7:30 बज रहे थे जब, उस समय 15 मिनट तेज थी, तो वो अंतर अपने आप मैनेज हो गया, 8:30 हो गए। 1 घंटे में मैंने इतना सारा काम कर लिया। तो और अभी चाय बना लेती हूँ मैं, फिर मिलते हैं। और ये मैं पानी की बाल्टी भी ला चुकी हूँ, जो कि ताजी पानी आता है ना उसका पानी मैं भर के रख लेती हूँ, क्योंकि टैंक में तो हमारा पानी गंदा हो जाता है ना, तो इसलिए मैं एक बाल्टी सुबह शाम भर के रख लेती हूँ। और दूसरी तरफ बन रही है मेरी चाय, तो देखिए उबल उबल के ना अच्छी हो गई है ना। और जितना हम चाय को पकाते हैं ना उतना ही इसमें टेस्ट आता है, उतना ही अच्छी लगती है पकने के बाद में। और बाकी अब मैं सबको दे दूंगी। और मैं अपनी चाय भी लेके आ चुकी हूँ, तो आप लोग भी पी लीजिए चाय, और मैं भी पी लेती हूँ। और देखिए बच्चा पार्टी अभी बिस्तर में है। बच्चा पार्टी बिस्तर में है, और टाइम हो चुका है 8:30, 8:30 का टाइम हो रहा है। तो अब मैं चाय लेके आई हूँ, किचन का काम खत्म, बहुत सारा काम खत्म कर दिया है। अभी ख़त्म तो कुछ भी नहीं है, शाम तक चलता रहता है, जब तक हम सोते नहीं हैं तब तक हमारा काम चलता ही रहता है। तो चलिए पहले मैं चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद मैं फिर से आ चुकी हूँ मैं किचन में, जो कि मुझे बनानी है मेथी की भुजी। और ये मैंने मेथी को कट कर लिया है, जो कि मैंने ना उसी से काटा था, जो जो दरांत बोलते हैं ना उसी से काटा है, तो मुझे ना मोटा मोटा कट करने आता है। और चाकू से काटती हूँ ना तो बारीक काट लेती हूँ, और उससे काटा है तो थोड़ा मोटी हो गई है, मोटे मोटे कट गया है, तो कोई बात नहीं। और वो चाकू से काटती ना तो थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने उसी से कट कर लिया ये। और इधर मैंने आलू भी कट कर लिए हैं, धो के रख लिए हैं, ये धोई नहीं है अभी, इसको धोऊंगी अच्छे से पहले, और फिर अपना बनाऊंगी इसे, मेथी की भुजी बनानी है मुझे। गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है, और इसमें डाल दिया है मैंने ऑयल, जो कि मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। और इसको भी ना मैंने अच्छे से धो लिया है, मेथी को, आलू तो पहले ही धो लिए थे मैंने, और इसको अब छौंकती हूँ। तो उससे सबसे पहले डालूंगी इसमें जीरा, और उसके बाद डालूंगी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची, और उसके बाद में डाल दूंगी जो मैंने आलू कट करके रखे हैं ना,
थोड़ा सा पानी आ गया। और अब डालूंगी इसमें नमक, जो कि अभी मैंने डाला नहीं था, तो नमक डाल दूंगी। और नमक ना, मेथी जो होती है ना हमारी, ये बहुत कम हो जाती है, तो उसके हिसाब से आप नमक डालें, क्योंकि मेथी जब हम डालते हैं ना इसमें तो बहुत दिखाई देती है, और उसके बाद में हो जाती है ये कम, क्योंकि इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ना, तो बिल्कुल ऐसी हो जाएगी ये मेथी, क्योंकि ये जो आलू है ना हमारे, इनसे ही चिपक जाएगी ये। तो इस तरीके से इसको अच्छे से मिला के, और मैं रखूँगी इसको ढक कर, और बीच बीच में 2-3 बार चलाने में अपना सब्जी अच्छे से बन जाती है। इसमें पानी डालना नहीं है, जो कि मैंने मेथी भी नहीं अच्छे से निचोड़ ली थी, क्योंकि ये पानी छोड़ जाती है मेथी हमारी। और मैं इसको अब रख दूँगी ढक कर, और इसके 5 मिनट बाद देखूँगी इसको चला कर, क्योंकि जो मेथी है ना वो थोड़ी दब जाएगी। और देखिए मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो चुकी है। एक बार मैं बीच में और चलाई थी, और पानी नहीं डाला ना इसमें, तो पानी की वजह से ज़्यादा पानी छोड़ा भी नहीं, और हम थोड़ा सा भी अगर पानी चला जाता ना ये, तो फिर सब्ज़ी में पानी हो जाता। देखिए कितनी अच्छी। और इसमें ना प्याज भी ऐड कर सकते हो, मैं नहीं डालती हूँ प्याज, लेकिन प्याज बहुत अच्छी लगती है इसमें से भुजिया में ना। और उसके बाद डालूंगी इसमें सबसे लास्ट में, जो कि धनिया पत्ती। आप सोचोगे कि ये खुद ही मतलब भुजिया हरी हरी है और उसमें धनिया पत्ती क्या, लेकिन धनिया पत्ती की ना अलग ही खुशबू आती है इसमें, बहुत अच्छी लगती है। तो मेरी भुजिया बन के तैयार हो चुकी है, जो कि गल भी चुकी है, देखो दिखाती हूँ, गल चुकी है बिल्कुल, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनने में, और बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं ढक के रख देती हूँ इसको, बहुत अच्छी बनी है सब्जी मेरी, बन चुकी है, दूध भी गर्म हो गया इधर, और अब मैं सेकूंगी खाना, जो कि अब खाने के लिए ये आ चुके हैं बच्चे किचन में, जो कि इनको खाना चाहिए। तो अब मैं खाना बना लेती हूँ पहले। देखिए प्रिया ने बनाए यहाँ पर मलीदा, जो कि मक्के के मतलब मक्के की रोटी के और लड्डू बनाए, जो इसमें डाला है शक्कर और देसी घी, और उनको ना हाथों से अच्छे से मल के और बिल्कुल बारीक कर लिया है। बारीक करने के बाद लड्डू बनाया उसने, तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, और आप लोग भी खा लीजिए। देखिए किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है, और किस किस को पसंद है ये वाले लड्डू, मुझे बताना कमेंट करके, क्योंकि ये ना मक्के की रोटी के बनते हैं, और ज़्यादातर अक्सर कर गाँव वाँव में तो बहुत ज़्यादा बनते हैं। पहले हमारे ना बाऊजी भी ये बहुत बनाया करते थे, ये वाले जो बाऊजी हैं ना मेरे ससुर जी जो हैं, वो बहुत बनाते थे, बहुत ज़्यादा। जब भी मतलब मक्के की रोटी बनती थी तो ये लड्डू ज़रूर बनते थे। तो ये आज प्रिया को याद आ गया कि बाऊजी लड्डू बनाते हैं, वैसे ही मैं बना के देखती हूँ, तो और बने भी बहुत अच्छे हैं। अभी टेस्ट करके नहीं देखे, लेकिन देखने में ना बहुत अच्छे लग रहे हैं, और इसने ना बहुत सारा घी डाल लिया है इसमें, ऐसे ही पलट लिया तो ज़्यादा पड़ गया है इसमें घी। तो आप भी खा लीजिए टेस्टी से लड्डू। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, जो कि आप लोगों ने देखा प्रिया ने बनाए थे लड्डू, और वो भी मक्के की रोटी के। सुबह मैंने देखा ना आप लोगों ने, जैसे कि मैंने भुजिया बनाई थी ना, और उसने 2 रोटी मेरे से बनवाई बोल के कि मम्मी 2 रोटी बना दो मक्के की रोटी। मैंने कहा पता नहीं क्या करेगी, तो बोले रख देना आप बना के। उसे ना बहुत दिनों से मतलब, जैसे पहले ना बाबूजी बना के दिया करते थे, अब तो नहीं बनाते हैं, क्योंकि अब तो देखो थोड़ी एज भी हो रही है हमारे बाबूजी की, और अच्छा भी नहीं लगता। पहले ना इसको बाबूजी बना के दे दिया करते थे, और अब इसने बाऊजी को बना के खिलाया लड्डू, और सच में बहुत टेस्टी लगे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सबके लिए वो दिया, और वो मलीदा जो होता है ना उसका ना फिर लड्डू बना लिए थे इसने बहुत अच्छे से। और ये वीडियो आज सुबह से चल रहा है, तो मैंने सोचा इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और
मिलूँगी आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो न्यू चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि कमेंट से क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और लाइक तो बिल्कुल मत भूलिए, तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा मेरा वो बढ़ाइए, मनोबल बढ़ाइए, जो कि मुझे अच्छा लगे यूट्यूब पर रहने में। तो चलिए फिर, बाय बाय।